हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेबी स्ट्रीट टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम गोडन नखंड करना सीखेंगे। तो हम गोडन नखंड करने के लिए हमेशा अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो। अगर हमारी संख्या दो से कट रही है तो ठीक है, अगर दो से नहीं कट रही है तो इसके बाद हम तीन से भाग देंगे। इसके बाद हमारी संख्या आती है 5, 7 और 13। ये कहाँ तक होती हैं? अनंत तक होती हैं। इस प्रकार हम संख्या में भाग देते हैं जब तक संख्या में भाग देने पर एक ना आ जाए। तो चलिए इसको हम संख्या के माध्यम से समझ लेते हैं। हमारी संख्या 96, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे यहाँ 96, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। पहले देखेंगे इस संख्या के पीछे क्या है 6। तो संख्या हमारी क्या थी? सम। ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी तो 96 में हम 2 से भाग देंगे। तो यहाँ 96 लिख लेंगे, इसमें हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है? पहले हम 2 का भाग किसमें देंगे? 9 में। तो कितनी बार जा रहा है? 4 बार। यहाँ कितना आएगा? 8। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 8 गया तो 1। अब यहाँ 16, 2 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 8 बार। तो यहाँ आएगा 8। इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो दोस्तों, जब हमने 2 का भाग 96 में दिया है तो हमारा भागफल कितना आया है? 48। यहाँ लिखेंगे हम 48। अभी संख्या हमारी ये 2 से कट जाएगी क्योंकि इसके पीछे 8 है, ये सम संख्या है। तो 2 का भाग हम यहीं देंगे इसी संख्या में। तो 2 का भाग पहले हम किस में देंगे? 4 में। तो 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 2 बार। इसी प्रकार से हम 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 4 बार। अभी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी तो 2 का भाग हम इस 2 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 1 बार। 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 2 बार। अभी संख्या हमारी 2 से ही कट जाएगी। जब तक संख्या हमारी 2 से कटेगी तब तक हम भाग देंगे। 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 6 बार। 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 3 बार। अब दोस्तों, 3 ऐसी संख्या है जो 2 से नहीं कटेगी। तो अब इसमें हम 3 से भाग देंगे क्योंकि 3 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3। तो जो हमारी संख्या थी 96, इसके जो गुणनखंड खंड निकल गए हैं, क्या निकल गए हैं? 2 गुणा 2। दो दो अंक कितने? 1 2 3 4 5। और गुणा 3, इनका हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 96 मिलेगा। 3 दुनी 6, 6 दुनी 12, 12 दुनी 24, 24 दुनी 48, 48 दुनी 96। तो 96 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? ये सभी हमारे क्या हैं? 96 के फैक्टर हैं। अब जो हमारी अगली संख्या है 528, इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। तो इसको यहाँ लिख लेंगे 528। ये दोस्तों संख्या हमारी 2 से कट जाएगी क्योंकि सम संख्या है। तो 2 का भाग हम 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, क्योंकि 2 दुनी 4 होता है। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो शेष पर कितना बचेगा? 1। लेकिन जो शेष वाले बचेगा वो यहाँ संख्या आ जाएगी, तो यहाँ संख्या बन जाएगी 12। 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। पूरी तरह हमारा भाग चले गया तो शेषफल 0 बचेगा। अब 2 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 4 बार। अभी संख्या हमारी 2 से कट रही है। 2 का भाग हम 2 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 1 बार। 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 3 बार। 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 2 बार। अभी संख्या हमारी 2 से ही कट जाएगी। 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो फिर किसमें देंगे? 13 में। तो 2 का भाग हम 13 में देंगे तो कितनी बचेगा? 6 बार। यह संख्या बन जाएगी हमारी 12। 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बचेगा? 6 बार। अब हम 2 का भाग किस में देंगे? 6 में, तो कितनी बच जा रहा है? 3 बार। 2 का भाग 6 में कितनी बच जा रहा है? 3 बार। अब इस संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी। अब यहाँ 33 है तो 3 से कटेगी। 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब संख्या यहाँ क्या आएगी हमारी? 11। तो हमारी संख्या 11, 11 से ही कटेगी। 11 कम 11। तो जो हमारी संख्या थी 528, इसके जो फैक्टर निकल के आए हैं, क्या निकल के आए हैं? तो 2
गुणा दो, दो दो के हमारे कितने चार, और एक तीन का एक 11 का अंक है। तो दोस्तों जो 528 संख्या है उसको तोड़ के हम इस रूप में लिख सकते हैं, ये सभी इसके क्या है फैक्टर हैं। अगर इनका हम गुणा करेंगे तो सभी का, तो मैं संख्या कितनी प्राप्त होगी 528। अब दोस्तों हमारी अगली संख्या है 2160, इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 2160, 1 लाइन इस तरफ खींच लूँगा। इसके पीछे क्या है जीरो, तो ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। 2 का भाग हम 2 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 1 बार। क्या 2 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा करके यहाँ 2 संख्या में भाग देंगे। तो अब 16 संख्या में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बचेगा, 8 बार। 0 की 0। अब हम 2 का भाग हम 10 में देंगे तो कितनी बचेगा, 5 बार। 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बचेगा, 4 बार। 0 की 0। अब भी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। तो 2 का भाग हम 5 में देंगे तो कितनी बचेगा, 2 बार। एक शेषफल बचेगी तो संख्या बन जाएगी 14। तो 2 का भाग हम 14 में देंगे तो कितनी बचेगा, 7 बार। और 0 की 0। अब भी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी क्योंकि सम संख्या है। 2 का भाग हम 2 में देंगे तो कितनी बचेगा, 1 बार। 2 का भाग हम 7 में देंगे तो कितनी बचेगा, 3 बार। 7 में से 6 जाएगा तो एक शेषफल बचेगी, तो यह संख्या बन जाएगी 10। 2 का भाग हम 10 में देंगे तो कितनी बचेगा, 5 बार। अभी संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी क्योंकि विषम संख्या हो गई, या इसके पीछे जो संख्या सम होती है वही हमारी 2 से कटती है। तो ये संख्या हमारी 3 से कट रही है। 3 का भाग हम 13 में देंगे तो कितनी बचेगा, 4 बार। एक शेष बचेगी तो 15 संख्या बन जाएगी हमारी 15। 3 का भाग हम 15 में देंगे तो कितनी बचेगा, 5 बार। अभी संख्या हमारी 3 से कट रही है। 3 एकम 3, यह संख्या बन जाएगी 15। तो 3 का भाग हम 15 में देंगे तो कितनी बचेगा, 5 बार। अब यह संख्या क्या है, 15। 3 का भाग हम 15 में देंगे तो कितनी बचेगा, 5 बार। 5 संख्या हमारी 5 से ही कटेगी। तो जो हमारी संख्या थी 2160, इसके जो फैक्टर निकल के आए क्या निकल के आए, 2 2 के अंक कितने हैं 4, और 3 3 के अंक कितने, 3। तो इनको हम लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5। तो सभी दोस्तों ये हमारे 2160 के फैक्टर हैं। 2160 को हम तोड़ करके हम क्या लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। जब हम इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2160 प्राप्त होगा। तो अगर दोस्तों आपकी हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।